हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगेन का सैफ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, अमृतसर की बहुत ही फेमस अमृतसरी बेसन की मठरी। आज मैं आपको बताऊंगा आसानी से अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में अमृतसर की क्रिस्पी करंची बेसन की मठरी कैसे बनाएं। सबसे पहले आपने टेबल पे ऐसे कपड़ा रखना है, कपड़े के ऊपर आपने रखनी है ऐसे एक परात, इस तरीके से जैसे कि मैंने रखी। परात के अंदर आपने रखनी है छलनी, छलनी के अंदर आपने डालना है बेसन। ये देखिए, इस तरीके से जैसे कि मैं डाला ऐसे डालें। बेसन लिया है मैंने आधा किलो। आधा किलो बेसन लेने के बाद आपने क्या करना है, ऐसे छान लेना है। बेसन छानना जरूरी है। बेसन क्यों छानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बेसन में गांठें होती हैं तो वो खत्म हो जाएंगी। बेसन छानने के बाद आपने इसमें डालना है घी, कम से कम 4 टेबल स्पून। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन घी सबसे सही तरीका है। 1 टीस्पून आपने डालनी है अजवाइन, और अजवाइन को ऐसे मसल के डालें। उसके बाद आपने ऐसे मिलाना है, अच्छी तरीके से इसको मसलना है, जैसे कि मैं मसल रहा हूं। और भी इसमें बहुत चीजें पड़ेंगी, क्या क्या मैं इसमें डालूंगा और डालने का तरीका क्या है वो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि चीजें तो बहुत हैं लेकिन आप कैसे डालनी है आपने ये चीज आपने जरूर देखनी है, तभी आपकी मठरी बहुत ही अच्छे से बन पाएगी। जब वो ऐसे अच्छे से मसल लेंगे तो ये देखिए ऐसे लड्डू बन जाना चाहिए, मतलब ये बहुत ही बढ़िया खस्ता बनने वाली है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और इसमें क्या क्या डालना है आपको बताता हूं। आपने लेने हैं 2 टेबल स्पून साबुत धनिए, और आपने करना क्या है, इसमें हल्का सा ऐसे बेलन मारना है, मतलब 1 का 2 कर लेना है, ज्यादा ना पीस दें, 1 का 2 करें बस। ये देखिए इस तरीके से 2 टेबल स्पून डालना है, ऐसे इतना सा कुचलना है आपने, देखिए कितने अच्छे हो गए। अब ये आपने डाल देना है बेसन के अंदर, ये देखिए, और आपने लेना है 2 टीस्पून साबुत जीरा, इसको भी आपने ऐसे हल्का सा बेलन मारना है। मैं मिक्सी में डालने के लिए मना करूंगा, क्योंकि उससे क्या होगा, कलर खराब हो जाएगा। तो आपने ऐसे टेबल पे डालना है या चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, और ऐसे बेलन मार लेना है, हल्का सा तोड़ लेना है, और इसको भी डाल देना है बेसन के अंदर। उसके बाद आपने लेना है इमाम दस्ता, और इसमें डालना है 2 टेबल स्पून काली मिर्च, और इसको आपने थोड़ा सा कूट लेना है, मतलब ना तो साबुत रहना चाहिए ना एकदम पाउडर बनना चाहिए। तो आज आपने थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, सारी चीज़ें अलग अलग कूटनी है। ये देखिए इस तरीके से आपने क्रश कर लेना है, और इसको भी डाल देना है आपने बेसन के अंदर। और आपने लेनी है 10 सूखी हुई लाल मिर्च। अगर आपकी मिर्च सूखी है जैसे कि ये मेरी है, तो आपने क्या करना है, इमाम दस्ते में डाल के इनको अच्छे से कूट लेना है। अगर गीली है तो आपने क्या करना है, आपने इनको ऐसे काट लेना है, चाकू से चॉप कर लेना है। और ये जो बीज हैं, ये बीज आपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि ये निकाल देना है, सारे बीज ना डालें, 1 का 10 12 चले जाएंगे तो चलेगा, लेकिन बीज आपने नहीं डालने हैं। तो मैं भी बीज निकाल दूंगा, थोड़े बहुत बीज होंगे, 1 का 2 धोखे से रह गया तो डालूंगा, बाकी सारे निकाल दूंगा, तो आपने भी निकाल देना है। और आपने मिर्च को ऐसे देखिए काट लेना है, चॉप कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं, या फिर आप इसमें चिल्ली फ्लेक्स डाल सकते हैं, लेकिन बीज नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, कम हो, मतलब बहुत ज्यादा बीज ना हो, और लाल मिर्च नहीं डालना है, उससे क्या होता है कलर खराब होता है। और आपने मिर्च भी डाल देनी है बेसन के अंदर। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 टीस्पून नमक, और इसको ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है जैसे कि मैं कर रहा हूं, और आपने गुनगुना पानी लेना है, और इसमें ऐसे छिड़कना है, देखिए इस तरीके से, और इसको एकदम टाइट गूंद लेना है। गूंदते गूंदते मैंने देखा कि यार इसमें थोड़ा कलर की कमी है, मतलब मजा नहीं आ रहा है, चमक नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें डालूंगा 1 टीस्पून हल्दी। अब मैं इसको गूंदूंगा, हल्दी से क्या होगा, कलर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा, देख रहे ना आप कितना बढ़िया कलर हो गया, अब आएगा ना मजा, वाह।
आपने इसको ऐसे मसलना है, मसल मसल के गूंदना है, क्योंकि बेसन में ना बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। जितना टाइट आप इसको गूंदेंगे उतनी ही अच्छी आपकी मछली बनेगी। अब मैंने आपसे मना किया था ना कि आपने लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालना है, अब ये देखिए कलर कितना अच्छा है और सारी चीजें दिख रही हैं। अगर आप लाल मिर्च का पाउडर डाल देते तो ये चीजें दिखती नहीं, इनकी खूबसूरती खत्म हो जाती। तो आपने ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। और इसको मैं एकदम टाइट गूंदूंगा, बहुत ही बढ़िया गूंद चुका है ये देखिए। और फिर से बता रहा हूं, जो चीज मुझे अच्छी लगती है ना मैं तो दो तीन बार बताता ही हूं आपको, कलर देख रहे ना, मजा आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको ढक के रख देना है कम से कम 10 मिनट। ये जो मठरी है बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है इसमें। और इस मठरी की खास बात क्या है, इसमें जो भी चीजें आपने डाली ना सबका टेस्ट आता है और सारे टेस्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब धनिया का टेस्ट, जीरे का टेस्ट, मिर्च, नमक, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपको आएगा मजा। और आपने इसको ना बेल के ऐसे काट काट के नहीं बनाना है, एक एक करके बेलना है, जैसे आप पूरी बेलते हैं ना। मैं ये मठरी थर्सडे को अमृतसर जाके खा के आया हूँ, मुझे बहुत ही पसंद आई, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप कहीं दूर बैठे हैं और ये मठरी मिस करते हैं, आपने कभी खाई है तो अमृतसर की, तो आप ये बनाएंगे आसानी से बन जाएंगे। वीडियो आपने पूरा देखना है ताकि आप आसानी से बना पाए। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है और ये ढल भी चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे उठाना है और ऐसे टेबल पे रखना है और इसको ऐसे दबा के रोल कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं इस तरीके से रोल बनाने, लंबा टेबल पे ऐसे अच्छे से ऐसे रोल बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक का दो करना है इस तरीके से, फिर ऐसे कर लेना है। कोई भी हलवाई दुनिया का बेल के मठरी नहीं बनाता है, वो इस तरीके से फिर काटते हैं। देखिए ऐसे आपने काटना है, साइज आपकी पसंद है, आप कितना भी बड़ा रख सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने सारे काट लेना है, जैसे कि मैं काट रहा हूँ। ऐसे काटने के बाद आप क्या करेंगे बताता हूँ, आपने इनको सबको खिट्टा करके ढक के रख देना है ऐसे। उसके बाद आपने यहां से ऐसे एक उठाना है, दबाना है ऐसे, अच्छे से दबाएं और ऐसे बेल लेना है आपने, क्योंकि मैं वहां खा के आया हूं ना, किसी की भी साइज एक जैसी नहीं थी। मतलब आप ये सोचेंगे ना एक जैसे परफेक्ट पूरी की तरह हो, वैसी नहीं थी, ऐसी थी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं ना इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। तो ऐसे आपने बेल लेना है सभी। और वो जो मठरी में खास बात थी ना वो ये थी, धनिया, सारी चीजें ऐसे दिख रही थी, इसमें भी दिख रही हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यार मैंने ऐसा मतलब बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से सारी बेलूंगा, बेल के रखूंगा कैसे वो तरीका आपको बताता हूं। बेल के आपने ऐसी एक परात या थाली के ऊपर रखना है, ताकि क्या होगा आप ऐसे अच्छे से उठा पाएंगे फ्राई करने के लिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से सब बेलूंगा, बेल के ऐसे ही रखूंगा। बेलते बेलते मेरे दिमाग में इतना बढ़िया आइडिया आ गया, क्योंकि बेलने से ना फट रहे थे एक आध, तो बिना बेले आप अच्छी मठरी बना सकते हैं, मैंने भी बनाई है, कैसे आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ से एक ये पेड़ा उठाना है, उसको यहाँ रखना है, ये देखिए ऐसे, और कुछ नहीं करना है, इसे दबाना है बस, ये देखिए बेलने से अच्छा बनेगा और आसान है। मेरे को बहुत ही अच्छा आइडिया लगा, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन गई, देखिए बहुत ही बढ़िया, ना टूटा ना फूटी ना कुछ हुआ, देखा ना। तो आप भी दबा सकते हैं, किसी बर्तन से दबा लें या फिर हाथ से दबा लें, जैसे कि मैंने दबाई। ये देखिए मैंने बना लिए 8 पीस। अब आपने क्या करना है, आपने इसको फ्राई करने के लिए डाल देना है, क्योंकि सब बनाने का इंतजार नहीं करना है, फ्राई करते रहना है और धीरे धीरे बनाते भी रहना है, क्योंकि इसको फ्राई करने में लगेगा टाइम। तेल आपका हल्का सा गर्म होना चाहिए और गैस होना चाहिए एकदम स्लो, और आपने इस तरीके से देखिए ऐसे डाल देना है, देख रहे ना आप तेल कितना गर्म है, ऐसे ही हल्का सा गर्म होना चाहिए बस, ज्यादा गर्म तेल में ना डालें, इस चीज का आपने रखना है ध्यान। और जितना बड़ी आपकी कढ़ाई है उस हिसाब से आपने डाल देना है। तो मैं सिर्फ 8 पीस डालूंगा
और आराम से इसको पड़ा रहने दूंगा, ना चलाऊंगा, ना इसको हिलाऊंगा, ना झुलाऊंगा। अभी कब चलाऊंगा, जब ये ऊपर आ जाएगी तब। गैस आपने इतनी स्लो रखनी है, फास्ट ना रखें इसे। जब ये ऐसे ऊपर आ जाएंगे उसके बाद आपने ऐसे इसको चलाना है ताकि ये पलट जाए बस, और कुछ नहीं करना है, ना ही आपने करनी है गैस फास्ट। आराम से ऐसे फ्राई होने दें। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इससे छोटी भी आप बना सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो उतनी बड़ी बना लें। अब मैं बाकी भी बना लूंगा, आप भी ऐसा ही करें। ये देखिए मैंने सभी मठरी बना ली है, तो आपने भी ऐसे बना के रख लेना है। और जो हमने मठरी फ्राई करने के लिए डाली हुई है वो भी लगभग हो चुकी है। आपको दिखाता हूँ कलर कितना बढ़िया आया है, देख रहे हैं ना आप, कितनी बढ़िया तरीके से मठरी फ्राई हो रही है, एकदम स्लो गैस में आराम से प्यार से। और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया हो गया है। ऐसे ही आपने लाल करके निकालनी है, तभी ये कड़क और क्रिस्पी होगी। और आप ज्यादा फास्ट गैस करके जल्दी जल्दी फ्राई करके ना निकालें, ऐसे ही निकालना है, यही कलर होना चाहिए। क्योंकि मैंने मठरियां खाई थी उसके बाद मैंने ये बनाई। अब आप थोड़ी देर अपने दिल को थाम के बैठे, मैं इसी तरीके से सारी मठरियां फ्राई करके फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए हमारी मठरी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और कलर तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया गया है। मैंने क्या किया था, मैंने सभी डाल दी थी, मैंने सोचा सभी डाल के देखता हूँ क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, लेकिन रिजल्ट आया बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए कितनी बढ़िया हुई है, क्या कलर आया, मतलब मजा आ गया। ये देखिए क्या बेहतरीन कलर है, मतलब दिल खुश हो गया बना के, बहुत ही शानदार कलर और कड़क और क्रिस्पी हो गई है। और जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि सब हमने फ्राई कर ली, मतलब अच्छा लगा ये करके। और ये कड़क और क्रिस्पी कितनी है आपको तोड़ के दिखाऊंगा, बस थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना, अभी बहुत गर्म है, हाथ जल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है अमृतसरी की फेमस बेसन की मठरी का, तो आपने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस मठरी की जो सबसे खास चीज है, मतलब स्पेशल है, वो है इसका कलर, बहुत ही अल्टीमेट है। और इसमें ये सब दिखता है ना, धनिया जीरा, ये बहुत ही मस्त होता है। और ये कड़क और क्रिस्पी कितनी है, देखिए कैसी आवाज आई, एकदम खस्ता, मतलब आपको ऐसा मजा आएगा ना खाने में, बस आप बोलेंगे थैंक यू सर, बहुत ही मस्त मठरी हुई।